We have to integrate the function which is cos square x divided by cos square x plus 4 sin square x between the limit 0 to pi by 2. So let's see how we will solve this problem. तो देखिए सबसे पहले मैं गिवन क्वेश्चन को i से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. लेट i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2. दिस इज 0 टू पाई बाई 2 एंड द फंक्शन इज कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के. अब देखिए अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन आपको करना पड़ेगा. और इसको मैनिपुलेट करने के लिए मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको 10 के टर्म में कन्वर्ट करूं. और ऐसा करने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना चाहिए. तो इन द नेक्स्ट स्टेप अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूं तो ये बन जाता है 0 टू पाई बाई 2. दिस इज 0 टू पाई बाई 2. वी कैन राइट इट कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स. ये मैंने न्यूमरेटर में यूज किया है. और डिनोमिनेटर की बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स. 4 साइन स्क्वायर एक्स एंड डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के. अब इन द नेक्स्ट स्टेप अगर आपको इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो ये क्वेश्चन अब जनरेट होगा आई इज इक्वल टू. दिस इज आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2. दिस इज आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2. आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि ये कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स आपका कैंसिल हो रहा है. तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचेगा, डेट इज सिंपली डी एक्स. और डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये आपका 1 होता है. और 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 4 इंटू 10 स्क्वायर एक्स में. अब चलिए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि आगे हम लोग इस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे. और इसको इंटीग्रेट करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैं 10x को एक नए वेरिएबल t से रिप्लेस कर रहा हूं. अगर आपने 10x को t में कन्वर्ट कर लिया है तो आपको बाकी का सारा डाटा भी t के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा. और साथ के साथ आपको फंक्शन की लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी. तो अगर 10x t के इक्वल है तो dx को dt में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन बोथ साइड. और अगर मैं गिवन फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करता हूं तो ये बनता है sec square x dx एंड दिस इज इक्वल टू dt के. तो एक तो हमने dx को dt में कन्वर्ट कर लिया. दूसरा टास्क हमारे पास ये है कि हमें फंक्शन की लिमिट भी अभी चेंज करनी है. अब अगर आपको लोअर लिमिट निकालनी है तो x की प्लेस पे आपको 0 सबमिट करना पड़ेगा. और लोअर लिमिट की अगर अपन बात करें तो t बराबर tan 0 है ना, विच इज एक्चुअली tan 0. तो लोअर लिमिट हमारे पास हो जाती है, इट इंप्लाइज दैट कि लोअर लिमिट इज योर 0. दिस इज द लोअर लिमिट है ना, ये फंक्शन की लोअर लिमिट है. और अपर लिमिट के लिए आपको आपको x की प्लेस पे पाई बाई 2 सबमिट करना पड़ेगा. और यहाँ पे अगर अपन tan ऑफ पाई बाई 2 की बात करें तो इट इम्प्लाइज डैट कि जो t है वो आपका अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की ओर. तो अब आपके पास जो क्वेश्चन जनरेट हुआ है, अगर अपन क्वेश्चन पे अगर बात करें, नाउ द क्वेश्चन इज i इज इक्वल टू नाउ द लिमिट इज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी. ये आपके पास अब फंक्शन की लिमिट है, ठीक है. अब dx को कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं dx की वैल्यू को पता करूं तो dx आपके पास आता है, dx की वैल्यू अगर अपन निकालें तो dx कन्वर्ट हो जाएगा dt अपॉन sec स्क्वायर x में. लेकिन ये डाटा को भी अगर अपन t में कन्वर्ट कर लें तो वो शायद ज्यादा कंफर्टेबल होगा. तो dx को हम लोग लिख सकते हैं dt अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x के. और tan x की प्लेस पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं t. तो फाइनली dx हमारे पास बन जाता है dt अपॉन 1 प्लस t ऑफ स्क्वायर के. सो फाइनली dx को हमने रिप्लेस किया dt ओवर 1 प्लस के t स्क्वायर से. तो एक टर्म ये है और दूसरा आपने यहाँ पे ये जो tan x को t से रिप्लेस किया है और एक ये टर्म आपको मिल जाता है 1 प्लस के 4t स्क्वायर के. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ रहा होगा जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन में किया हुआ है. अब चलिए आगे हम लोग इस पे काम करते हैं कि आगे हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो 4 आपको नजर आ रहा है इसको अपन ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं. अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये बन जाता है 1/4, क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो आप इंटीग्रल के बाहर भी लेके जा सकते हैं. एंड नाउ इट इज 0 टू इन्फिनिटी डी टी अपॉन 0 टू इन्फिनिटी डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ये आपका फर्स्ट टर्म है जैसा कि आप देख पा रहे हैं.
और दूसरे टर्म की अगर अपन बात करें तो ये बन जाता है 1/4 प्लस के टी स्क्वायर के। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं थोड़ा फर्दर आगे, थोड़ा सा और इसे मैनिपुलेट हम लोग करेंगे। और फर्दर मैनिपुलेट करने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि आई को वी आर जस्ट राइटिंग आई इज इक्वल टू 1/4, द लिमिट इज बिटवीन 0 to ∞। ये आपके पास फंक्शन की लिमिट है। और हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हम लोग ये कर रहे हैं कि मैं इसमें 4/3 से मल्टीप्लाई और 3/4, मतलब बैलेंस भी करना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से मैंने 4/3 से मल्टीप्लाई इंटू 3/4 मैंने इसे करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा डाटा 3/4 आपको नजर आ रहा है और कट के ये बैलेंस हो जाता है, ये 1 ही बनता है। इंटू डी टी ये टर्म तो चल ही रहा है, और डिवाइड में अगर हम लोग बात करें तो दिस इज 1 + t² दिस इज 1 + t² और 1/4 + t² के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आप यहाँ पे चाहें तो 4 को 4 से कैंसिल भी कर सकते हैं। नाउ दिस विल बिकम आई इज इक्वल टू दिस इज 1/3, द लिमिट इज बिटवीन 0 to ∞। लिमिट आपकी 0 to ∞ के बिटवीन है। और ये जो 3/4 आपको नजर आ रहा है, अब मैं इसको मैनिपुलेट कर रहा हूं। देखिए हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं t² + 1 -t² + 1 - t² + 1/4 के। अब अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे t² से t² आपका कैंसिल होगा, और 1 में से 1/4 जब आप माइनस करेंगे तो डेट विल बिकम 3/4। तो फाइनली यू आर गेटिंग 3/4, तो डाटा अभी आपका बैलेंस है। ये तो रहा न्यूमरेटर वाला पार्ट, और डिनोमेटर की अगर मैं बात करूं तो डिनोमेटर में तो वही फंक्शन चल रहा है, विच इज 1 + t² × 1/4 + t² × dt के। तो अब आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर मैं इस फंक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट कर दूं तो ये काफी हद तक कंफर्टेबल हो जाएगा इंटीग्रेट करने के लिए। सो नाउ दिस विल बिकम 1/3, ये आपका कॉन्स्टेंट टर्म है। द लिमिट इज बिटवीन 0 to ∞। फर्स्ट पार्ट को मैं ब्रेक कर रहा हूं, और फर्स्ट पार्ट मेरे पास बनता है dt/dt/ 1/4 + t² के। ये आपके पास इस इंटीग्रल का फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट पे अगर अपन बात करें तो ये होगा 1/3, द लिमिट इज बिटवीन 0 to ∞, द लिमिट इज बिटवीन 0 to ∞ एंड dt/dt/1 + t² के। तो मैं अभी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सारे स्टेटमेंट आपको क्लियर होंगे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट पे अपन बात कर सकते हैं कि अगर अगर हम लोग इंटीग्रेट करें dx/a² + k x² को, अगर आपको ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रल होता है 1/a tan inverse x/a + cos के। तो मैं गिविन रिजल्ट में जो भी हम फाइनली रिजल्ट लेके आए हैं, मैं इस रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, वहां पे अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, और फिर हमें फंक्शन की लिमिट भी सबमिट करनी होगी। सो नाउ दिस विल बिकम आई इज इक्वल टू 1/3। दिस इज, देखिए इंटीग्रल है 1/a, तो ये जो 1/4 है आप इसे 1/, चलिए मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, इसको हम लोग लिखेंगे 0 to ∞, दिस इज dt/ 1/2 का होल स्क्वायर + k t² के, है ना। और सेकेंड टर्म है, यहां तो हम लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं, दिस इज 1/3 एंड दिस इज tan inverse t एंड द लिमिट इज बिटवीन 0 to ∞। तो सेकेंड पार्ट तो ऑलमोस्ट इंटीग्रेट हो ही चुका है हमारे पास। अब थोड़ा फर्स्ट पार्ट पे भी काम कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको फॉर्मूला बताया था, तो ये बनेगा 1/3, दिस विल बिकम 1/a, तो 1/1/2 जो कि न्यूमरेटर में जाके 2 में ही केवल कन्वर्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। एंड नाउ इट इज tan inverse t t/1/2, और इसकी लिमिट आपको सेट करनी है बिटवीन 0 to ∞। फाइन, इसके बाद -k 1/3, ये फंक्शन आपको -1/3 नजर आ ही रहा है। और टेन वर्स इन्फिनिटी की बात करें तो ये टर्म आपका होता है π/2 और -0 के। मैंने पहले अपर लिमिट डाला है, फिर मैंने यहाँ पे लोअर लिमिट सबमिट किया है। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं i = 2/3, दिस इज i = 2/3, और फिर से मैंने यहाँ पे लिमिट सबमिट किया। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म मेरे पास बनेगा tan inverse ∞, दिस इज tan inverse ∞ माइनस दिस इज tan inverse 0 के, एंड द ब्रैकेट क्लोज्ड।
माइनस 1/3 इनटू पाई बाई 2 के। अब आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि ये टेन वर्स इन्फिनिटी, इसे अगेन आप पाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास बन जाता है पाई बाई 3, और ये टर्म की अगर आप बात करें तो सेकेंड टर्म आपको नजर आ रहा होगा, दिस वैल्यू इज योर पाई बाई 6, और इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं देन द आंसर इज आई इज इक्वल टू पाई बाई 6 के। एंड फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द गिविंग क्वेश्चन।